ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। तो क्या हाल चाल है सबके भाई। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक्शन के बाबा मिथुन दादा के बारे में। इन भाई साहब ने एक्शन करने में सिद्धियां हासिल की हुई थी, कोई शक। आजकल के हीरोज को एक्शन करने के लिए या फाइट करने के लिए स्पेशल हथियार चाहिए होते हैं, पर मिथुन दा एकलौते ऐसे हीरो थे जो कि किसी भी चीज से हथियार बना लेते थे। और अगर इनके पास हथियार ना भी होना तो ये खुद कौन सा हथियार से कम है। ये भाई साहब खुद ही हथियार बन के गुंडों का सफाया कर देते थे। इस सीन में मिथुन दा को इस ट्रक को रोकना है, लेकिन ना तो इस समय इनके पास कोई गोली बंदूक है और ना ही कोई हथियार। और ऊपर से ये गुंडे लोग गाड़ी को मिथुन दा के ऊपर चढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो सामने बंदा खड़ा है ना, ट्रक से उसको उड़ाना तो बहुत दूर की बात है, ये ट्रक से उसको छू भी नहीं पाएंगे। देखा, मैंने कहा था ना, कभी कभी मिथुन दा खुद ही हथियार बन जाते हैं। ये भाई साहब तोप का गोला बनके ट्रक की खिड़की तोड़ देते हैं, उसके बाद इन बंदों को तोड़ देते हैं और इस ट्रक को रोक देते हैं। वेल डन। इस सीन में डायरेक्टर ये दिखाना चाहता है कि मिथुन दा की एक लात पड़ते ही ये गुंडा हवा में उड़ने लग गया, लेकिन मिथुन दा की लात और इस गुंडे की बॉडी के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मिथुन दा ने लात मारी भी है तो इस बंदे को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन ये तो उल्टी दिशा में जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये बंदा उड़ के इधर से नहीं उधर से आया हो। मिथुन दा इतनी सारी मार खाने के बाद आपने ये हथियार कहाँ से पैदा कर लिया। माना कि आप किसी भी चीज को हथियार बना लेते हो, लेकिन अब क्या आप जादू से हथियार लाने लग गए हो क्या। लेकिन एक सेकंड। और अगर आपकी छाती पे आपने इतना बड़ा हथियार छुपाया हुआ था तो इतनी देर तक आप उछल कूद कैसे कर रहे थे। और अगर आपके पास यह हथियार पहले से ही था तो ये हथियार आपने उस समय क्यों नहीं निकाला जब गुंडे ने अपना हथियार निकाला। पता नहीं मिथुन दा, आपके तो क्या ही कहने हैं, अब तो आप धीरे धीरे जादूगर भी बन रहे हो। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, देखते क्या हो, मार डालो हरामजादे को। इस सीन में भी मिथुन दा के पास कोई भी हथियार नहीं है। लेकिन फिकर ना करो, मिथुन दा का सुपर कंप्यूटर से भी तेज दिमाग और चीते जैसी रफ्तार कब काम आएगी। अरे अभी तो आएगी, ऐसी सिचुएशन में तो ही आएगी। पहले मिथुन दा ने टायर फेंक के मारा और गुंडे का पांव तोड़ दिया, फिर मिथुन दा ने खाली ड्रम फेंक के मारा और गुंडे का पांव तोड़ दिया, और उसके बाद जमीन पे रेंगते रेंगते मिथुन दा को कहीं से दो डंडे मिल गए, तो इन्होंने पहला डंडा मारा और गुंडे की छाती फोड़ दी और दूसरा डंडा मारा गुंडे का हाथ तोड़ दिया। अच्छा ऐसे सीन्स को देख के आपको मिथुन दा की ताकत का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि कितने खतरनाक है ये। पर अफसोस, मिथुन दा के इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी मिथुन दा को गोलियां लग जाती हैं। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट है, अगर हीरो ही मर जाएगा तो फिल्म का क्या होगा, और ऊपर से अगर हीरो मिथुन दा हो तो हीरो का बचना तो 100% पॉसिबल है। मुझे शक था कि मेरी मौत का जाल दुश्मनों ने जरूर बुना होगा, इसलिए मैं ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आया था। इस पूरी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए मिथुन दा ने यूज किया था अपना सुपर कंप्यूटर से भी तेज दिमाग। बहुत ही बढ़िया, मिथुन दा इतने लालजन लाइफ हैं कि अगर ये अधमरी हालत में हॉस्पिटल के बेड के ऊपर भी पड़े हो ना, तो ये गुंडों से अपने आप को आराम से बचा लेते हैं, वो भी बेड से उठ के भाग के नहीं और ना ही लड़के, ये अपने आप को बचाते हैं कुछ इस तरीके से। ये कैसा गुंडा है, एक मरीज को जो कि बेड के ऊपर पड़ा हुआ है उसको पकड़ नहीं पा रहा, क्या गुंडा बनेगा रे तू। और इधर अपने मिथुन दा हॉस्पिटल के बेड को मस्त किश्ती बना के भाग रहे हैं। कोई बात नहीं, चाबी लेके दरवाजे खोल रहे हैं, दरवाजे लॉक कर रहे हैं, उसके बाद लिफ्ट भी ओपन कर रहे हैं। असंभव,
भाई अगर इनकी जगह पे कोई और बंदा होता ना तो वो बेचारा इन सारे कामों में से 1% काम भी नहीं कर पाता। लेकिन भगवान ने मिथुन दा को कुछ अलग शक्तियाँ दी है जिसकी वजह से ये इंसान इतने कारनामे कर पाता है। सही बात है। इस सीन में तो मिथुन दा फिर भी जिंदा थे लेकिन मिथुन दा तो मर के भी जिंदा हो जाते हैं। अच्छा। अब इस सीन में हुआ ये कि इस विलन ने इस बंदे को धक्का मारा और थाली में पड़ा था पानी से भरा हुआ लोटा और वो पूरा का पूरा लोटा उछल के जाता है हवा में जहाँ पे होती है मिथुन दा की चिता और लोटे का पानी हवा में उड़ते उड़ते ही एकदम सही तरीके से मिथुन दा के मुंह में जाता है। और फिर क्या था, पानी का टेस्ट मिथुन दा को इतना बढ़िया लगता है कि वो मुर्दा से जिंदा हो जाते हैं। ये भाई साहब वही लोटा लेके अपने हाथ में फिट कर लेते हैं और कैप्टन अमेरिका की शील्ड की तरह इस्तेमाल करने लग जाते हैं और उसके बाद जिन गुंडों ने इनको मारा होता है उनको मजा चखाते हैं। ऐसे ऐसे करिश्मे तो मिथुन दा की मूवीज में ही होते हैं। मिथुन दा ये एक लोटा है ना कि कोई भाला जिससे आप तलवारें रोक रहे हो और ऊपर से इन गुंडों का दिमाग भी पता नहीं कहां गया हुआ है। इन तीनों लोगों ने एक छोटे से लोटे के ऊपर अपनी तीनों तलवारें फंसा रखी हैं। ये कौन सा लॉजिक है बे? इन तीनों में से किसी का दिमाग नहीं चल रहा कि एक सेकंड के लिए कोई बंदा तलवार उठा के सीधा मिथुन दा को मार देना कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, इनको तो मिथुन दा के हाथों से अपनी कहानी खत्म करवानी है। सीन में मिथुन दा को इन दोनों लड़कियों को एक ऊंची सी चिता के ऊपर से बचाना होता है। फिर क्या था, मिथुन दा ने फिर से अपना सुपर कंप्यूटर वाला दिमाग लगाया और फिर कुछ ऐसा किया। बीच हवा में जाके बाइक को पता नहीं क्या हो गया, लग रहा है कि इस बाइक की हवा में किसी से टक्कर हो गई है और ये बाइक वहीं पे घूम घूम के नीचे गिर जाती है। लेकिन अपने मिथुन दा हवा में उड़ते हुए सीधा लड़कियों के पास पहुंच जाते हैं। बहुत ही बढ़िया। फिर एक छत पे रस्सी फेंकते हैं और ये दोनों लड़कियों को उठाते हैं और उनको बचा के अपने घर ले जाते हैं। तो भाई मिथुन दा के इतने भयानक स्टंट देखने के बाद आपको कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताना। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।